500 के नोट पर गांधी जी की जगह भगवान राम का फोटो और लाल किले की जगह राम मंदिर, क्या ऐसा नोट सचमुच आने वाला है? बने रहिए, वीडियो में बात करने वाले हैं इस बारे में। दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये खबर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। पिछले कुछ दिनों से ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से घूम रही है, जिसमें 500 के नोट को कुछ इस तरह दिखाया जा रहा है, जिसमें गांधी जी की जगह भगवान राम की फोटो, लाल किले की जगह अयोध्या का नवनिर्मित राम मंदिर और दूसरी तरफ गांधी जी के चश्मे की जगह श्री राम के धनुष और बाण का फोटो लगाया गया है। कुछ पोस्ट में इस बात का दावा करते हुए लिखा गया है कि मोदी सरकार इन नोटों को लागू करने का प्लान बना रही है, लेकिन क्या सच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस तरह के नोट छापने की तैयारी कर रहा है? इस पर आरबीआई के प्रवक्ता योगेश दयाल ने कहा है कि 500 के नोट पर भगवान राम की फोटो एक कल्पना है और आरबीआई के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ना ही सरकार का ऐसा विचार है। दोस्तों, पर्सनली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो तो ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। कल को मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख भी कहेंगे कि हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करने वाली करेंसी लाओ, तो ये असंभव हो जाएगा। और आप कमेंट में अपना ओपिनियन बताइए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।